बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ गुम हो गई है, चीज़ आगे पीछे हो गई है, पैसे गुम गए हैं, जेवर गुम गया है या चोरी हो गया है, आपको पता है तो भी नहीं पता तो भी, दोनों सूरतों में अगर आपकी अलमारी को ताला है और चाबियां आपके पास हैं और आपके इलम में है कि यहाँ मेरे अलावा ना कोई आता है ना कोई रहता है ना कोई जाता है ना किसी के यहाँ आने का सवाल पैदा होता है, तो अब क्या करें कि हम बजाय किसी पर इल्ज़ाम लगाने के, बजाय किसी की तलाशी लेने के, बजाय किसी को जलील करने के, बजाय किसी के इज़्ज़त नफ्स पर हमला करने के, आइंदा के लिए मोहतात हूँ और ये चीज़ें हमारी बग़ैर नुकसान के मिल जाएं। इसके लिए बहुत सारी मेरी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे बुज़ुर्ग पूछते रहते हैं। तो भाई सबसे पहली अहम बात तो ये है कि आप अपने घर में एंट्रेंस पे एग्ज़िट पे कैमरे लगाएँ, अपनी दुकान पर कैमरे लगाएं, अपने ऑफिसेज़ पे कैमरे लगाएं और अपने जेवरात को भाई बैंक्स के लॉकर्स में रखें, घर में ना रखें। अहम बात है ना, रोज़ बस इसी मामले में, इसी मुश्किल, इसी परेशानी में फंसे रहना है तो ये कम अकली है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि मोमिन एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता। बैंक में रखेंगे महफूज हो जाएंगे, कैमरे लगाएंगे बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी, और अगर आपके पैसे चोरी हो गए या होते रहते हैं तो भाई इस हवाले से भी आप अपने बटवे में पैसे कम से कम रखें, इसको डिजिटलाइज करें, एटीएम से निकाला करें, भाई कार्ड से खर्च किया करें, बेहतर हो जाएंगे मामला। अब चलते हैं हम उस वजीफे की तरफ कि जिसमें हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन यकीन से करना और इस अमल से पहले छोटा सा सदका दे देना कि आपकी कोई चीज़ घुमी और आपको पता चली, आपने फौरन दो रकत नफिल पढ़ के, अगर नवाफिल पढ़ने के औकात हैं यानी मकरू वक्त नहीं है, या नवाफिल पढ़ने के अय्याम हैं यानी मेरी कोई बहन बेटी नापाकी के अय्याम में नहीं है, वरना दुआ करके अल्लाह से मांग लेना। और ये पाकी नापाकी दोनों सूरतों में हो सकता है कि अल्लाह मेरी ये चीज़ ये आगे पीछे हो गई, चोरी हो गई, गुम गई, या अल्लाह मुझे अता फरमा दे और मुझे इस पर सब्र अता फरमा दे और मुझे इसका नेमुल बदल अता फरमा दे। और अगर ये मिल जाए और कोई बंदा फर्द शख्स आपको दे दे तो आपने इस तहकीक में नहीं पढ़ना कौन है, कहाँ है, क्यों है, शुक्र अदा करो मिल गई है। तो आपने दुआ करने के बाद कुछ मीठा पका लें, जर्दा वगैरह एक प्लेट पका लें बेशक, लेकिन अच्छा मज़ेदार उम्दा गिरियों वाला, बादामों वाला, पिस्तों वाला अच्छा बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते, नहीं बनाना आता या वक्त नहीं है तो बाज़ार से एक पाव कम अज़ कम मिठाई, बर्फ़ी या मिक्स मिठाई ले लें, कम अज़ कम आप किलो भी ले सकते हैं। इस पर पहले दिन उस जगह से जहाँ से चीज़ गायब हुई है, चोरी हुई है, गुम हुई है, बैठकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 313 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 दिन मरतबा दुरूद पाक, इस खाने की चीज़ पर दम करें और इसको बच्चों में बांट दें और हर रोज़ रोज़ाना 7 और मैक्सिमम 11 दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसी तरीके से जो पहले अर्ज़ किया है पढ़ें और पढ़ के दुआ करें। अल्लाह के हुक्म से 3, 5, 7 और मैक्सिमम 11 दिन में इंशाअल्लाह ये चीज़ आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। बस आपने इस यकीन के साथ करना है कि अल्लाह ताला ने मेरी ये आजमाइश या मेरी किसी कम अकली की वजह से मुझे अकल देने के लिए, अकल ठिकाने करने के लिए किया है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आपने हमें, हमारी टीम को दुआ में याद रखना है। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर हो, आमीन।